देश भर में करीब 93 लाख ट्रक 9 और 10 अक्टूबर को सड़कों पर नहीं दिखेंगे। जीएसटी और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर ट्रांसपोर्टरों ने 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। ट्रक के अलावा देश के बस संचालक भी इस हड़ताल को समर्थन दे रहे हैं। बस संचालक भी डीजल की कीमतें बढ़ने और किराया न बढ़ाए जाने से परेशान है। इस माह हड़ताल के चलते लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर काफी असर पड़ सकता है। दरअसल ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने शनिवार को ही 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सोमवार सुबह से उनका प्रदर्शन 8 बजे शुरू होगा और 10 अक्टूबर शाम 8 बजे तक चलेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत विभिन्न नीतियों के कारण सड़क परिवहन क्षेत्र में बहुत भ्रम और विघटन पैदा हुआ है। डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी और कीमतों में रोजाना उतार चढ़ाव सड़क परिवहन क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। डीजल और टोल पर किया जाने वाला खर्च ट्रक के परिचालक खर्च के 70% से भी अधिक है। हड़ताल करने वाले लोगों की मांग है कि डीजल की कीमतों में 20 रुपए प्रति लीटर तक ही कटौती की जाए। उनका कहना है कि डीजल को ही जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है, डीजल को जीएसटी के अंदर लाने की जरूरत है ताकि देश में एक ही कीमत पर डीजल की बिक्री हो। गौरतलब है कि ट्रकों की इस हड़ताल से व्यापार भी प्रभावित होगा, क्योंकि ट्रक यूनियन से कोई भी गाड़ी उद्योगों से कोई भी कच्चा और तैयार माल नहीं उठाएगी। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।